एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भोपाल के कई इलाकों में रोड शो और जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद कांग्रेसियों में उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के दौरे पर तंज कस रहे हैं। उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने कहा कि पप्पू के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार भगवान दास सबनानी ने कहा कि राहुल गांधी जहां प्रचार करने जाते हैं वहां कांग्रेस ही को नुकसान होता है। ब्राह्मण समाज द्वारा राजधानी भोपाल में आयोजित दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे आलोक शर्मा ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। भगवान से मैंने प्रार्थना की है कि सदैव उनकी कृपा इस समाज पर बनी रहे। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ता भगवान दास सबनानी को उम्मीदवार बनाया है। जनता कमल के फूल का बटन दबाकर उनको विजयी बनाएगी। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आलोक शर्मा ने कहा कि बहुत से अप्पू पप्पू आते जाते हैं, उनसे चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, दीपावली आज सकल ब्राह्मण समाज का दीपावली मिलन था, उसमें मुझे बुलाया था। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। समाज ने बुलाया मुझे दीपावली की, सभी मैंने समाज के मेरे परिवार के बंधुओं को शुभकामनाएं दी। भगवान से ही प्रार्थना की है कि सदैव आपकी कृपा पूरी समाज पे बनी रहे, समाज में सब लोग आगे बढ़े, सबके सुख समृद्धि आए, किसी की भी जिंदगी में किसी प्रकार की दुख तकलीफ नहीं रहे। और मैंने सबसे निवेदन भी किया है कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता भाई भगवान दास सबनानी जी को प्रत्याशी बनाया है। कमल का फूल का बटन दबाकर उनको विजयी बनाए, ये मैंने अपील की। देखिए, बहुत से अप्पू और पप्पू आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर हर हर मोदी, घर घर मोदी हो रहा है, इसमें कोई बात ही नहीं है। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 स्पष्ट बहुमत से सरकार बन रही है और भोपाल की सारी विधानसभा सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। इस अवसर पर भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबनानी ने कहा कि आलोक शर्मा मेरे मित्र हैं, इसलिए वो अपना जनसंपर्क छोड़ इस कार्यक्रम में आए हैं। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए भगवान दास सबनानी ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस से लोग भी अपना नेता नहीं मानते। राहुल गांधी जहां भी प्रचार के लिए जाते हैं वहां कांग्रेस पार्टी को ही नुकसान होता है। मैं सकल ब्राह्मण समाज को बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनका आशीर्वाद हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी को मिला है और आज भी न केवल भारतीय जनता पार्टी को, पूरे मध्य प्रदेश में विशेषकर दक्षिण पश्चिम में भी उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे करके एक प्रकार से आगे बढ़ाने का काम किया है। उनका आशीर्वाद फलित होगा। हेलो भाई, मेरे मित्र हैं, उनको लग रहा होगा कि आवश्यक है ये करना, इसलिए अपना समय छोड़ करके, जनसंपर्क छोड़ करके यहाँ आए कि ये सीट भी जीतना जरूरी है। चूँकि हम दोनों दो बार साथ में पार्षद रहे, संगठन में भी साथ में काम करते, एक दूसरे के प्रति हमारे जो भाव है, जो मित्रता है, मुझे लगता है उसको, उसके कारण वो अपना काम छोड़कर भी इस काम के लिए आए कि यहाँ ब्राह्मण समाज यहाँ एकत्रित है और आकर के क्यों न अपनी बात की जाए। मुझे लगता है, देखिए क्या है कि वो राहुल गांधी को कांग्रेस ही नेता नहीं मानते हैं, तो बस ठीक है, आना है, नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा, तो ऐसा कर लेते। बाकी उनको न घुमाने का, न उनकी सभाएँ करवा, तो उनको मालूम है वो सभा करते तो उसका असर कितना उल्टा होता है, ये मालूम है। इसलिए कांग्रेस बचने का प्रयास करती है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी कोई फैक्टर नहीं हो सकता। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार।